हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। गिरिजा त्रिपाठी द्वारा संचालित वृद्धा आश्रम पहुँच कर जिलाधिकारी व SSP ने आश्रम के कर्मचारियों से की पूछताछ, कहा अनियमितता मिलने पर होगी कड़ी कार्रवाई। अब हाईटेक होगा नगर निगम, हाईटेक ऐप के माध्यम से सफाई कर्मियों और नगर निगम के कर्मचारियों पर होगी निगरानी। पुलिस अभिरक्षा से फरार 10,000 के इनामी बदमाश को GRP ने किया गिरफ्तार, CO GRP ने किया खुलासा। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बांसगांव तहसील में संपन्न हुआ संपूर्ण समाधान दिवस, 103 में से 8 मामलों का हुआ मौके पर निस्तारण। चोरी और लूट की घटना में वांछित 4 अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, SP नॉर्थ ने बताया रेकी करके देते थे लूट की घटना को अंजाम। सीतापुर नेत्र चिकित्सालय की पूर्व MS डॉक्टर मनोरमा अग्रवाल के अस्पताल स्थित सरकारी आवास को जिला प्रशासन ने कराया खाली। चिवटहा पुल के पास से एक महिला के साथ हुई चैन स्नेचिंग का पुलिस ने किया खुलासा, चैन के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार, SP नॉर्थ ने किया खुलासा। ट्रकों में ओवरलोडिंग रोकने की मांग को लेकर गोरखपुर ट्रक ऑपरेटर एसोसिएशन ने ARTO को सौंपा ज्ञापन, ओवरलोडिंग रोकने की मांग। ADM सिटी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ सदर तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस, समस्याओं को संज्ञान में लेते हुए ADM सिटी ने दिया निस्तारण के निर्देश। छात्रों की मांग और जिलाधिकारी के निर्देश पर शुरू हुआ विश्वविद्यालय के गेट पर स्पीड ब्रेकर बनाने का काम। 5 वृद्ध महिलाओं को गंभीर स्थिति में लाया गया जिला महिला चिकित्सालय, अस्पताल प्रशासन ने उपलब्ध कराया खाद्य पदार्थ और वस्त्र। पूर्वांचल हाफ मैराथन दौड़ में देश के कोने कोने से महिला और पुरुष धावक करेंगे प्रतिभाग, प्रथम स्थान करने वाले को मिलेगा 51,000 रुपए का पुरस्कार। पॉलीथीन के प्रयोग से होने वाले नुकसान और सूती थैली के प्रयोग के बारे में छात्राओं को नागरिक सुरक्षा कोर ने किया जागरूक। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक एकेडमी के सदस्य बनाए गए राकेश श्रीवास्तव, कहा पूर्वांचल के कलाकारों को दिलाएंगे मंच। और प्रेरक संघ ने किया बैठक, 10 दिन में मांगे पूरी ना होने पर आंदोलन की दी चेतावनी।